हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीटी इंडियन ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम लेकर के आए हैं गाइज टाइटन स्मार्ट 2, जो कि इसको आज हम पेयर करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी जगह से मेरे को फीडबैक मिला है कि इसको पेयर में थोड़ा प्रॉब्लम, तो मैं सोचा कि चलो ना आज मैं इसको पेयर करके दिखाता हूँ इसको पेयर कैसे करते हैं। तो गाइज देखिए, ये मेरा टाइटन का स्मार्ट वॉच हो गया, देख सकते हैं आप, पूरा स्क्वायर शेप में है। देखिए, चलिए इसको हम अभी पेयर करते हैं। सबसे पहले गाइज, पेयर करने के लिए सबसे पहले अपने फोन का टूल प्ले ओपन करते हैं, देख सकते हैं ये ओपन हो गया है। अब यहाँ से हम सर्च करेंगे टाइटन स्मार्ट 2, जो कि ये प्ले स्टोर में अवेलेबल है। देख सकते हैं इसका डाउनलोडिंग अभी 10K+ हो चुकी है अभी तक, तो मैं डाउनलोड कर रहा हूँ। ये देखिए डाउनलोड होने लगा है। आप गाइज जब न्यू वॉच लेंगे, जब ओपन करेंगे ना, तो आपका वॉच का जब ऑन करेंगे वॉच, तो इस तरह से इसका इंटरफेस QR कोड के साथ आपको दिखाई देगी, जो कि ये जब पेयर करेंगे तो स्कैनिंग के थ्रू ये पेयर होती है। तो चलिए, डाउनलोडिंग भी हो गई है, तो इसको ओपन करते हैं इसको, देख सकते हैं ये ओपन हो गया है गाइज। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे एक पासवर्ड क्रिएट करना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन अप लिखा हुआ है, साइन अप में जा करके क्लिक कर सकते हैं, ठीक है, अपना ईमेल आईडी दे करके, और एक आईडी क्रिएट कर सकते हैं यहाँ पे पासवर्ड डाल के। तो चलिए हम करते हैं। देखिए गाइस, ये हो चुका है लॉगिन। देखिए जितने तरह के इसमें आपको ऑप्शन है कि अलाउ करने का, अब अलाउ कर दीजिएगा सारे चीज़ें। अब यहाँ पे देखिए, जैसे टाइटन स्मार्ट 2 न्यू टर्न ब्लूटूथ, डू यू वांट टू अलाउ, तो आपको डोंट अलाउ नहीं करना, आपको एनेबल करना है यहाँ पे, ठीक है, एनेबल हो गया है। तो अब देखिए यहाँ पे पेयर करने के लिए, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ जो प्लस का साइन है कॉर्नर में, आप यहाँ पे एक बार इसको क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे दो ऑप्शन आएगी, स्कैनिंग के थ्रू आप पेयर करना चाह रहे हैं, या फिर आपका मैनुअली सर्च के ड्यूरेशन में इसका जो कोड होती है वो सर्च करेगा, उसके थ्रू आप पेयर कर सकते हैं। तो चलिए हम इसको स्कैनिंग के थ्रू पेयर करते हैं। इसको जितने सारे अलाव आएंगे आपको अलाव करनी होगी, अलाव कर दिए। अब चलिए इसको हम पेयर करते हैं। देखिए यहाँ पर स्कैनिंग आ गया है, अब इसको हम स्कैनिंग के थ्रू यहाँ पेयर करेंगे। देखिए ये पेयर हो रहा है। अब इसमें आपको यस नो का ऑप्शन आएगा वॉच में, उसको आपको क्लिक करना है, थोड़ा समय लग रहा है सर्वर की वजह से। देखिए गाइस यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे एस में क्लिक कर देंगे हम। देखिए ये पेयर हो गया। ठीक है, तो आपको जब पेयर करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आएगी, ठीक है। तो आपको वॉच में जब पेयर करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका सारी चीज़ें। अब यहाँ पे कुछ सेटिंग्स हैं, उसको आपको सेटिंग्स कर लेनी है, नहीं तो आपको पेयर होने के बाद भी आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं होगी, जैसे कि आपका मैसेज नहीं आएगी, व्हाट्सएप मैसेज नहीं आएगी, टेक्स्ट मैसेज नहीं आएगी, किन्हीं का कॉल आएगा तो वो भी नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं ये कहाँ से अलाउ होती है। सबसे पहले हम चेक करेंगे, यहाँ पे डिवाइस में जाएंगे, डिवाइस में जा करके आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका कॉल रिमाइंडर का ऑप्शन आएगा,
यहाँ पे ऑन कर देना है और नोटिफिकेशन जो भी है आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन को भी ऑन ऑन कर लेना है। ये अगर आपका ऐप के थ्रू ही, अगर आपका जो फास्ट ट्रैक टाइटन सॉरी टाइटन स्मार्ट टू का जो ऐप है उसको अलाउ नहीं किया होंगे तो ये डायरेक्ट आपको अलाउ करने के लिए बोल देगा। तो यहाँ पे आपको चलिए अलाउ किया हुआ है, ठीक है। तो अब फिर बैक चलते हैं। अब यहाँ पे देखिए आपको अगर नीड है ये सब सारी चीज़ें का तो यहाँ से ऑन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अलाउ करना है आपको, अलाउ कर दिए। देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या क्या अलाउ हो गया है। अब जिस ऐप को अलाउ करेंगे उसमें जो आने वाली नोटिफिकेशन है वो सारा प्राप्त होगी। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपका SMS, ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, ईमेल वगैरह का, मैसेज का, सारा चीज़ का यहाँ पे अलाउ हो चुका है। आप इसमें से आपको जिस ऐप का नोटिफिकेशन नहीं चाहिए आप उसको बंद कर सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आप प्रोफाइल में क्लिक करके आप जा सकते हैं। यहाँ पे जो आप स्टेप आप डेली सेट कर सकते हैं कि आप हमको दिन भर में इतना स्टेप चलना है पूरे दिन में, तो वो भी आप अपने यहाँ पे सेट कर सकते हैं। प्लस होम में आएंगे तो देख सकते हैं सारा इंटरफेस आएगा, जो भी आपका एक्टिविटी जैसे एक्सरसाइज हो गया, हार्ट रेट हो गई, ऑटो स्लीप ट्रैक ये ट्रैकर हो गया, ऑक्सीजन लेवल हो गया, स्ट्रेस लेवल हो गया, सारा यहाँ पे आपको शो करेगी। अब एक्सरसाइज में अगर जाते हैं तो एक्सरसाइज में अभी कोई डेटा नहीं है क्योंकि मैं अभी इस पर कोई एक्सरसाइज किया नहीं हूँ तो ये डेटा नहीं है। अगर आप करेंगे तो आपका डेटा यहाँ पर शो करेगा, ठीक है। आप यहाँ पर देख सकते हैं फाइंड डिवाइस, ठीक है ना। अब यहाँ जैसे क्लिक करेंगे तो आपके अगर वॉच फ़ोन से पेयर है, जैसे यहाँ फाइंड में क्लिक करेंगे तैसे आपका वॉच क्या है कि वाइब्रेट करने लगेगी। देखिए अभी आपका वाइब्रेट कर रही है तो इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं वॉच फेस में आप इतने तरह का अलग अलग इसका वॉच फेस है। आप अपने हिसाब से अपने ड्रेसअप के हिसाब से आप इसको वॉच फेस को आप सेट कर सकते हैं। इसमें आपका दूसरा ऑप्शन और भी है, यहाँ पे कॉर्नर में देख सकते हैं एक राइट क्लिक करके ऑप्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड में जा कर के अपना पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं। तो आपको जो पिक्चर लगानी है आप यहाँ से क्लिक करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो आपने देखा कि इसको पेयर करने के लिए आपको क्या करना होगा। और ये वॉच के बारे में कुछ बता देते हैं। जैसे वॉच में आपका ये आपका सिस्टम कंट्रोल डिस्प्ले है, यहाँ से आप सारा कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सारा इसका दिया हुआ है, आपका स्पोर्ट्स से रिलेटेड स्पोर्ट रिकॉर्ड, आप अगर किसी तरह के आप स्पोर्ट्स एक्टिविटी करते हो उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं। हार्ट रेट हो गई, ऑक्सीजन लेवल हो गई, स्ट्रेस लेवल हो गया, ऑटो स्लीप ट्रैकर हो गया, वेदर हो गया, अगर आप साइकिलिंग वगैरह करते हैं तो उसको भी ट्रैक कर पाएंगे, मॉर्निंग ब्रीथिंग अगर करते हैं तो उसमें भी आप ये कर पाएंगे। प्लस इसमें आपका म्यूजिक कंट्रोल है, फ़ोन फाइंडर, ये सारी चीज़ें इसको आप कर सकते हैं। प्लस यहाँ से आप देख सकते हैं जो वॉच फेस है इसका, इसको इसमें आपका होल्ड करके आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। तो गाइज ये था इसका टाइटन स्मार्ट 2 का पेयरिंग। तो गाइज ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। प्लस हमारे चैनल के लाइक्स एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।